इंदौर क्राइम ब्रांच ने एक बड़ी कार्यवाही करते हुए अधिक मुनाफे का लालच देकर ठगी करने वाले गिरोह के 8 सदस्यों के खिलाफ धोखाधड़ी सहित अन्य धाराओं में प्रकरण दर्ज कर 3 आरोपियों को हिरासत में लिया है। वहीं फरार अन्य आरोपियों की तलाश जारी है। फर्जी डीलरशिप के नाम पर गोरख धंधा इन दिनों इंदौर में बड़ी तेजी से चल रहा है। वहीं फर्जी फ्रेंचाइजी देने वाले लोगों को ठगने का काम कर रहे हैं। इसी के तहत इंदौर क्राइम ब्रांच को तमिलनाडु के रहने वाले दिलीप कुमार ने शिकायत की थी कि फ्रेंचाइजी की डीलरशिप के नाम पर उनके साथ धोखाधड़ी की गई है। कंप्यूटर कोचिंग सेंटर के संचालक ने फ्रेंचाइजी देने के नाम पर उनसे पैसे ले लिए और माल नहीं दिया, जिसके बाद उन्होंने पुलिस ने मामले की जाँच करते हुए 8 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है और 3 आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। वहीं क्राइम ब्रांच के DCP निमिष अग्रवाल ने आम जनता से अपील की है कि फर्जी फ्रेंचाइजी देने के नाम कोई भी लालच दे तो उनके बहकावे में ना आए और सीधे इंदौर क्राइम ब्रांच में शिकायत करें। फिलहाल पुलिस फर्जीवाड़े से जुड़े इस गिरोह से सख्ती से पूछताछ करने में जुटी हुई है। हमको तमिलनाडु से एक फरियादी के द्वारा यह शिकायत करी गई थी कि उनको जो है एक फ्रेंचाइजी डीलरशिप के नाम पे उनको ठगा गया है और ये इस तरह का मोडस ऑपरेंडी यहाँ पे काफ़ी प्रचलित हो रहा था और इसमें पहले भी हमने इन शिकायतों पे कार्रवाई करी थी और इस तरह की कंपनियाँ जो कि प्रोडक्ट्स और डीलरशिप के नाम पर जो है पूरा ऑल ओवर इंडिया लोगों को ठगने का काम कर रही हैं, इस पर हम लोग गंभीरता से कार्रवाई कर रहे हैं। तो इसमें इसी कड़ी में जो है इस पर इन्वेस्टिगेशन किया गया है और ड्रीम अप नाम की ये कंपनी जो है एक कंप्यूटर कोचिंग सेंटर के नाम से एक जगह पे संचालित हो रही थी, वहाँ से पूरा एक कॉल सेंटर चल रहा था और इसमें जो है करीब 8 लोगों को पकड़ा गया, बाकी आगे कार्रवाई इसमें चल रही है। अभी तक इस तरह कितनी कार्रवाई हो चुकी है? अभी तक हम लगभग 17 इस तरह की कंपनियों को उजागर कर चुके हैं और भी अभी इसमें काफ़ी शिकायतें प्राप्त हुई हैं, लगातार इस पर जो है हम लोग कार्रवाई करते रहेंगे। आरोपी कितने पकड़ चुके हैं 17? इसमें मैं समझता हूँ 50 से ऊपर आरोपी अभी तक इन गतिविधियों में पकड़े जा चुके हैं और मैं सभी लोगों से अपील करूँगा कि इन 17 कंपनियों के विरुद्ध इनके नाम जो है हमारे ट्विटर अकाउंट पे भी उपलब्ध हैं, तो इन 17 कंपनियों के विरुद्ध जो भी किसी के पास शिकायत है वो अपनी शिकायत लेके क्राइम ब्रांच के सामने आए और उसको जो है उसमें कार्रवाई आगे की जाएगी।